हमारे देश में गर्भावस्था में जो माताएं हैं उनकी जीवन की चिंता कभी-कभी बहुत सताती है। हमारे देश में हर वर्ष लगभग 3 करोड़ महिलाएं गर्भावस्था धारण करती हैं, लेकिन कुछ माताएं प्रसूति के समय मरती हैं, कभी मां मरती हैं, कभी बालक मरता है, कभी बालक और मां दोनों मरते हैं। ये ठीक है कि पिछले एक दशक में माता की असमय मृत्यु के दर में कमी तो आई है, लेकिन फिर भी आज भी बहुत बड़ी मात्रा में गर्भवती माताओं का जीवन नहीं बचा पाते हैं। गर्भावस्था के दौरान या बाद की कमी, प्रसव संबंधी संक्रमण, हाई बीपी, न जाने कौन सी तकलीफ कब उसकी जिंदगी को तबाह कर दे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पिछले कुछ महीनों से एक नया अभियान शुरू किया है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इस अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं की सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में निशुल्क जांच की जाएगी। एक भी पैसे के खर्च के बिना सरकारी अस्पतालों में हर महीने की 9 तारीख को काम किया जाएगा। मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूंगा कि सभी गर्भवती माताएं 9 तारीख को इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके, मां और बालक दोनों की जिंदगी बचाई जा सके। और मैंने तो खास कि क्या आप महीने में एक दिन 9 तारीख को गरीब माताओं के लिए मुफ्त में ये सेवा नहीं दे सकते हैं? क्या मेरे डॉक्टर भाई बहन एक साल में 12 दिन गरीबों के लिए इस काम के लिए नहीं लगा सकते हैं? पिछले दिनों मुझे कईयों ने चिट्ठियां लिखी है, हजारों ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने मेरी बात को मान करके आगे बढ़ाया है, लेकिन भारत इतना बड़ा देश है, लाखों डॉक्टरों ने इस अभियान में जुड़ना चाहिए। मुझे विश्वास है आप जरूर जुड़ेंगे।